एटीएम साहब ने क्या कहा था? सर हम एटीएम साहब के पास में गए थे। आप किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दे रहे हो? हम ज्ञापन दे रहे हैं हमारे जाओ मोहल्ला काजी कॉलोनी के अंदर बारिशों के अंदर पानी की समस्या हो जाती है, जिससे घरों में पानी भर जाता है, दीवारें टूट जाती हैं और उनको इतना समस्या का वो करना पड़ता है कि रोड पे आके सोना पड़ता है। हमने कई बार एडीएम और एसडीएम को ज्ञापन दे दिया और उनको अवगत भी कराया है, जिसमें तहसीलदार भी देख के आए थे वहाँ, पूरा उन्होंने देखा भी है कि क्या हालात है बस्ती के। ये देख कर उन्होंने वापस वो आ गए कि हाँ हमारा समाधान नहीं हो पाएगा, अब हम एसडीएम को और एडीएम को ज्ञापन देने आए हैं। एडीएम साहब के पास गए हैं, उनको मार करने के लिए कहा था लेकिन उनके पीओ ने किया है। इस पर भी प्रशासन बिल्कुल कोई जागरूक नहीं है, प्रशासन बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ पूरा गंगापुर का जो प्रशासन है वो मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल ही लापरवाही है। हम दो साल से परेशान हैं और इसको दो तीन बार हमने ज्ञापन दे दिया, हमारे मेंबर साहब भी ज्ञापन दे के आए, पूछिए आप जरा सा, कई दफा हमारे मेंबर साहब भी ज्ञापन देने के लिए आए। सर आप वार्ड नंबर 50 से मेंबर हो, तो आपने भी समस्या के बारे में अवगत करवाया है। प्रशासन का दौरा भी कर चुका है, जिम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बोला जब भी काम चलेगा ब्रिज का फिर हमें बताना, ताकि हम पुलियों पानी का निकास का क्या कुछ ना कुछ ना सोचेंगे। भाई ब्रिज का काम जमीन के स्तर पर आ चुका है, तो अभी ब्रिज का काम चल रहा है और आपने अवगत भी करवाया है। हाँ। दो महीने लगभग पहले, तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर? कोई ध्यान नहीं दे रहा। एसडीएम साहब गए, एसडीएम साहब गए थे वहाँ पे, उनसे बातचीत हुई थी वालों से कि उन्होंने कहा था कि हाँ हम जमीन के लेवल पर जब आ जाएंगे हम कोई पानी का निकास बनाएंगे, तो काम चल रहा है। नहीं अभी इनका कहना है कि एडीएम साहब के रीडर ने मार करके दिया है, एक आप अंदर भी गए हो, तो एडीएम साहब ने क्या कहा मार्क करने के लिए? कहा कि हम मार्क नहीं करेंगे। हाँ जी सर, रीडर मार्क कर दिया, बोला तुम कर दो, चलो ऐसे नहीं होता है, चलो रीडर से कह दिया था आप कर लो मार्क। यानी कि एडीएम साहब ने मार्क करके नहीं दिया, यानी रिसिप्ट जो तुमने मांगना चाह। ठीक है, एक बार भाई थोड़ा सा।